नमस्कार साथियों, मैं सोहन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी पे। आज से अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट के लिए डिक्टेशन की गति होगी आपके 70 शब्द प्रति मिनट और ये चलेगी आपके 8 मिनट तक। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपील के नोटिस प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध जारी किए गए एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया गया प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री भागचंद कुमार भारद्वाज उपस्थित प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं, प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री भंवर शेखावत उपस्थित हुए, बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत करने पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ करने का निवेदन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में पंच निर्णायक द्वारा अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 11/10/2018 को आदेश पारित किया गया जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। जब दिनांक 12/2/2019 को कुछ व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थीगण के उक्त भूखंड पर घुसने की कोशिश की गई और बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, तब उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि इन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कृत्य का आधार अपीलाधीन पंच निर्णय है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा एक FIR पुलिस थाना श्याम नगर जयपुर में दिनांक 14/2/2019 को दर्ज करवाई गई। इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा पंच निर्णायक के कार्यालय से संपूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा पंच निर्णायक कार्यालय से दस्तावेजात की प्रतिलिपियां प्राप्त कर संपूर्ण तथ्यों की जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 8/3/2019 को यह अपील प्रस्तुत की जो अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा लिखित बहस अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील पंच निर्णय दिनांक 11/10/2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है तथा उक्त आदेश दिनांक 11/10/2018 की क्रियान्विति की रोक बाबत दिनांक 8/3/2019 को अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील देरी से पेश किए जाने के लिए संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में दिन प्रतिदिन की देरी के स्पष्टीकरण का अंकन नहीं किया गया है, इसलिए यह खारिज किया जाए। सुना गया, अवलोकन किया गया, अपीलार्थीगण द्वारा वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं होना
पाया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित पाते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्याय हित में क्षमित किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 1/3/2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत कर समापक माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा दोनों समितियों के सदस्यों की सूची दिनांक 12/7/2006 जारी की तथा प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से निकलवाई गई सदस्यता सूची शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति एवं माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति जिसमें अपीलार्थीगण के प्लॉटों के नए नंबर 159 एवं 160 दर्शाए गए हैं तथा अपीलार्थीगण द्वारा उक्त प्लॉटों पर दिनांक 23/6/2010 को बाउंड्री वॉल भी पूर्ण बनवाई गई जिसके खर्चे पेटे रुपये 39,000 कारीगर को अदा किए हैं, जिसकी असल रसीद प्रस्तुत हुई है, जिसे अपीलार्थीगण द्वारा रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मामले से संबंधित होने के कारण सुसंगत होने से रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर बल देते हुए कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का पंच निर्णय दिनांक 11/10/2018 साक्ष्य व तथ्यों के विपरीत एवं कानून के खिलाफ होने के कारण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य हैं। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप।